अस्सलाम वालेकुम। आज बेसिकली हम क्या करने जा रहे हैं, गूगल ऑथेंटिकेशन जो हम यूज़ करने जा रहे हैं लॉगिन या साइन अप के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले एक फोल्डर क्रिएट कर लेना है। ठीक है, इसको ले लेना है गूगल ऑथ। फोल्डर को विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ओपन कर लेना है। सबसे पहले हमने दो फोल्डर क्रिएट करने हैं, एक API के लिए और दूसरा हमने करना है अपना वेबसाइट के लिए। ठीक है, टर्मिनल ओपन करना है और हमने क्या करना है, सिंपल CD API एंड NPM init -y। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या करना है, इसमें क्लियर कर, उसके बाद हमने कमांड लिखनी है NPM i express express सेशन नॉट मॉन पासपोर्ट पासपोर्ट माइनस गूगल माइनस ओ आज। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इन तमाम एक्सटेंशन लाइब्रेरीज को जो है ना इंस्टॉल कर देना है। ठीक है, जितनी देर में ये इंस्टॉल होती है, इधर हम क्या करते हैं, एक सिंपल क्रिएट पेज करते हैं इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। ठीक है, और इसके ऊपर एक और हम सक्सेस डॉट एच टी एम, और इसके अंदर हम ये काम करते हैं। और दूसरा हम क्या करते हैं, अभी के लिए हम कुछ CSS वगैरह यूज़ नहीं कर रहे, बस सिंपल हम समझ रहे हैं कि बेसिकली काम जो है हमने करना किस तरह है। ठीक है, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि ये काम करना किस तरह हमने, तो इसके लिए मैंने सिंपल लिखना है HTTP। ठीक है, और लॉक HTTP। ठीक है, फिर मैं लिखूँगा auth स्लैश गूगल। ठीक है, मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने क्यों लिखा है लॉग इन विद गूगल गूगल। ठीक है, तो इसको मैं सेव करता हूँ, इसको मैं करता हूँ ओपन विद लाइव सर्वर। लाइव सर्वर क्या है, अपने एक्सटेंशन है, उसको आपने इंस्टॉल कर लेना लाइव सर्वर। ठीक है, तो उसको आप जैसे इंस्टॉल करेंगे उसकी मदद से आप क्या कर सकेंगे, होस्टिंग कर सकेंगे। अब ये हमारे पास एक URL आ रहा है जो इधर हमारे पास अटैच है। ठीक है, तो ये लाइव सर्वर को आपने इंस्टॉल कर लेना है, तो मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपने सक्सेस के अंदर जाना है, इसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं हम उस जगह पर। तो बस जस्ट हम इधर चेंज कर देते हैं, पैराग्राफ को चेंज करके सक्सेस। अब ये हमारे पास आ गए। ठीक है, ये मेरे पास दो पेजेस, हमारा फ्रंट एंड का जो है काम मैंने वो बिल्कुल कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हमने फ्रंट एंड के अंदर और कुछ भी नहीं करना, तो इसको क्लोज करते हैं, देन हम ओपन करते हैं API। API के अंदर हमने सबसे पहले एक फाइल बनानी है main.js के नाम से। ठीक है, उसके बाद आपने इसके अंदर जाना है, इस कमांड स्क्रिप्ट की जगह पर हमने क्या लिख देना, स्टार्ट। ठीक है, नॉर्मन इंडेक्स डॉट, इंडेक्स नहीं, हमारी फाइल का नेम क्या है, मेन है, तो आपने क्या लिख देना, मेन। ठीक है, तो इस जगह पे क्या ले देना, मेन, इसको सेव कर देना, उसके बाद क्लोज कर देना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्सप्रेस सर्वर क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, कॉन्स्ट ऐप इज इक्वल टू एक्सप्रेस रिक्वायर आई यू रिक्वायर, तो उसका क्या करना है हमने, एक्सप्रेस, और उसको आगे हमने क्या कर देना, ये देन हमारे पास क्या है, कॉन्स्ट पोर्ट है। ठीक है, पोर्ट बेसिकली क्या है कि जिस तरह अभी हमारी ये वाली वेबसाइट जो है ये किस पोर्ट के ऊपर रन हो रही है, ये पोर्ट पे रन हो रही है 5500 के ऊपर। ठीक है, तो इसकी हमने क्या रख दी है, 3000 रख दी है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो भी हम इंस्टॉल कर लेते हैं। सबसे पहले मैं क्या कर देता हूँ, ऐप डॉट गेट स्लैश, ठीक है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। तो
इसको रन करते हैं, सबसे पहले अपने लिखते हैं npm start। तो ये वही कमांड है जो मैंने इधर पैकेज json फाइल के अंदर मैंने डिफाइन की है, तो उसने उसी को क्या कर दिया, रन कर दिया। ठीक है, तो अब हमारा क्या हो गया, यानी सर्वर इज़ रनिंग ऑन पोर्ट 3000। ठीक है, तो हम इसको पहले चेक कर लेना कि रन हो भी रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले हम आते हैं लोकल होस्ट 3000, तो इसके ऊपर हमें क्या मिला, हेलो वर्ल्ड, क्योंकि हमने स्लैश url के ऊपर किए हैं, तो स्लैश के ऊपर हम रिटर्न कर रहे थे हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो ये तो हमारा सर्वर यानी क्रिएट हो गया हमारा। ठीक है, अब नेक्स्ट काम हमने क्या करना है, बेसिकली इसके अंदर एक हमने API कॉल क्रिएट करनी है, किसके नाम से, ऑथ स्लैश गूगल। ठीक है, तो इधर आना ऐप स्लैश गेट स्लैश, ठीक है, ऑथ स्लैश गूगल। ठीक है, तो इसको हम आगे देखते हैं इसमें करना क्या है, वो बात की बात है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करना है, कॉन्स्ट सेशन, ये जो भी हमने एक्सप्रेस सेशन को इंपोर्ट किया था उसको हमने करना है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, सेशन डॉट यूज, सेशन बेसिकली क्या कह रहा है, सेशन बेसिकली हमारा जो लॉगिन का सिस्टम होता है ना, ऐप डॉट यूज। ठीक है, हमारा जो जब भी कोई यूज़र लॉगिन होगा उसका सेशन एक क्रिएट हो जाएगा, और सेशन को यानी मैनेज जो कर रहा है ना, वो बेसिकली ये कर रहा है सेशन जो हमारे पास है। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास आती है सीक्रेट की, तो इसको आपने कुछ भी रख देना है, रिजॉल्व और ऑथेंटिकेटेड। ठीक है, ये मेरे पास हो गया बेसिकली इस सेशन का काम कंप्लीट हो गया। देन हम करते हैं कॉन्स्ट एक्सपोर्ट, और दूसरा हमारे पास है कॉन्स्ट गूगल स्ट्रेटजी। ठीक है, तो हमने बेसिकली क्या करना है, गूगल स्ट्रेटजी, और इस जगह पे हमने करनी है ओ आर्च स्ट्रेटजी, यानी हमने क्या यूज़ करना है, ओ आर्च टू स्ट्रेटजी यूज़ करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पासपोर्ट डॉट यूज़। ठीक है, तो इस जगह पे क्लाइंट आईडी, और इस जगह पे हमारी सीक्रेट आईडी, और नेक्स्ट हमारे पास है गूगल, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देन हमारे पास फंक्शन है, ठीक है, और ये हमें रिटर्न कर रहा है, इसको हम कह देते हैं डन, ये मेरे पास हो गया डन। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, सीरियलाइज, और ये भी मेरे पास बस जस्ट हमने सिंपल सीरियलाइज और डिसीरियलाइज बेसिकली हम यूज़ कर रहे हैं जब सेक्शन क्रिएट होता है तो उसके लिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसके ऊपर आते हैं। ठीक है, इसके ऊपर हमने क्या करना है, पासपोर्ट डॉट ऑथेंटिकेट, इसके ऊपर हमने तो ये मेरे पास, ठीक है, ये हो गया। इसको हम बाद में देखते हैं। अच्छा, अब होगा क्या, अब हम देखते हैं कि बेसिकली ये वर्किंग किस तरह करेगा, या वर्किंग किस तरह होगी इसके अंदर। ठीक है, सबसे पहले क्या है, अच्छा ये हमारा चला नहीं है, ही इज़ नॉट अ कंस्ट्रक्टर। ठीक है, वो कह रहा है कि वो कंस्ट्रक्टर नहीं है। अच्छा, हमने ये लाइए, अब ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले क्या होगा कि सबसे पहले जब भी इधर यूआरएल इस बटन यानी यूज़र जो होगा इस बटन के ऊपर क्लिक करेगा ना, यानी इस यूआरएल के ऊपर क्लिक करेगा, तो क्या होगा, हमारा जो HTTP लोकल होस्ट 3000 यानी इसके ऊपर हमारा क्या हो रहा है, सर्वर रन हो रहा है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, इस रिक्वेस्ट को गेट करेगा ऑथ स्लैश गूगल को। ठीक है, तो जिस तरह हम ऑथ स्लैश गूगल के अंदर जाएंगे, यानी क्या होगा, ये वाली रिक्वेस्ट कॉल होगी, तो क्या करेगा, पासपोर्ट क्या है, पासपोर्ट बेसिकली यानी लाइब्रेरी है जो हमारे साथ ना मैनेज कर रही है गूगल ऑथ को। ठीक है, तो पासपोर्ट हमने बेसिकली पहले एक्सपोर्ट करवाया था, और उसके बाद पासपोर्ट के अंदर हमने क्या किया था,
ये हमने कुछ पास किए थे, ये क्या होता है बेसिकली क्लाइंट आईडी होती है कि हमारे पास, वो हम देखते हैं अभी हम वो कहाँ से आएगी मेरे पास और सीक्रेट आईडी कहाँ से आती है, ठीक है। फिर देन हमारे पास होता है कॉल बैक यूआरएल। कॉल बैक यूआरएल बेसिकली ये होता है कि जब आपका ये प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाएगा, यानी कोई एरर नहीं आएगा, तो आपने किसी यूआरएल के ऊपर रीडायरेक्ट करवाना है उसको। यानी कि बेसिकली हो क्या रहा है हमारे पास, यानी यूज़र ने रिक्वेस्ट की है तो मैंने आगे बैकएंड की रिक्वेस्ट कर दी, बैकएंड ने आगे किसको रिक्वेस्ट कर दी है, गूगल को कर दी रिक्वेस्ट, गूगल ऑथ को, ठीक है। तो गूगल ऑथ क्या करेगा, जब उसको यानी कंप्लीट कर देगा यानी डन कर देगा, वो इस फंक्शन को कॉल करेगा, और जब इस फंक्शन के अंदर हम रिटर्न करेंगे ना, यानी नल और प्रोफाइल हम रिटर्न कर देंगे, यानी एरर कोई भी नहीं है, इस जगह पे एरर पास करना होता है और इस जगह पे हमने ये प्रोफाइल पास कर देनी। अगर हम इधर नल कुछ और पास करेंगे ना, तो वो हम देखेंगे बाद में बेसिकली क्या होता है। अच्छा, अब इधर हमने क्या, जिस तरह इसको रिटर्न करेंगे ना, तो उसको क्या होगा, मैसेज आ जाएगा कि ये फंक्शन सक्सेसफुली रन हो गया, तो वो क्या कर देगा, वापस इस यूआरएल के ऊपर क्या कर देगा, रीडायरेक्ट कर देगा। अब ये यूआरएल क्या है, ये हमारा बेसिकली वही है, ये हमारी एपीआई, यानी ये सर्वर का, और ऑथ स्लैश गूगल स्लैश बैकअप। तो वो क्या करेगा, इस फंक्शन को कॉल कर देगा, इस यानी इस चीज़ के ऊपर वो आ जाएगा। तो इसके ऊपर उसने क्या किया है कि सबसे पहले ऑथेंटिकेट किया कि ऑथेंटिकेट हुआ है कि नहीं, तो अगर नहीं हुआ तो वो क्या करेगा, फेलियर यूआरएल, यानी वो लॉगिन के ऊपर रिडायरेक्ट कर देगा उसको, अदरवाइज वो क्या करेगा, स्लैश के ऊपर रिडायरेक्ट कर देगा, ठीक है। अब सबसे पहले हम देखते हैं बेसिकली ये दो आईडीज हमारे पास कहाँ से आएंगी। तो इसके लिए आपने क्या करना है, गूगल के ऊपर जाना है, सबसे पहले आपने सर्च करना है गूगल, ठीक है, कंसोल, गूगल गूगल क्लाउड कंसोल, ठीक है, क्लाउड। तो इसके ऊपर आपने आना है, ये ओपन कर लेना है सबसे पहले गूगल क्लाउड कंसोल को, ठीक है। तो इसके अंदर आपने अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, तो मेरा इधर ऑलरेडी प्रोजेक्ट क्रिएट है एक डेमो आथ के नाम से, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सिंपल इसकी जगह पे आना है और न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो इसको मैं इसी तरह ही जाने देता हूँ, ठीक है। तो मेरा क्या हुआ है, प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो जैसे क्रिएट होते हैं मैं उसको ओपन करता हूँ, ठीक है। तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, हाँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, ठीक है, या इसके यानी मैं डैशबोर्ड के अंदर जाता हूँ, ठीक है। एक्टिविटीज़, रिकमेंडेशंस, ये मेरे पास, इसको हम बेसिकली ये ना डिफरेंट कामों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें सारे यानी हमारे पास प्रोवाइडेड होती हैं चीज़ें, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने बेसिकली ऑथ जो है उसको मैनेज करना है, तो इसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा, हमें बेसिकली इसके लाइक मी सी इट, तो इस स्क्रीन के ऊपर आपने चले जाना है, ठीक है। जैसे डैशबोर्ड हमारे पास ये साइड बार ओपन होगी, साइड बार के अंदर एपीआई सर्विसेज के अंदर ओ आथ कौन, ठीक है। तो हमारे पास ये वाली यानी ओपन हो जाएगी, एक्सटर्नल पे क्लिक करना है, नेक्स्ट करना है। तो मैं ज़रा जल्दी जल्दी करता जा रहा हूँ, डेमो, तो इस जगह पे आपने अपनी ईमेल देनी है। देन ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बेसिकली ना वो स्क्रीन क्रिएट कर रहा है, जो स्क्रीन जब यूज़र लॉग इन करेगा तो उसको जो स्क्रीन शो होगी ना, तो ये स्क्रीन शो होगी, जरा आपने अपना डिस्प्ले, ऐप नेम, जो भी सारी चीज़ें शो करवाएंगे ना, तो वो इस तरह यानी शो हो रही होंगी यूज़र को। तो इसको यानी आपने जो भी इसके अंदर इन्फॉर्मेशन वो सारी फिल कर देनी, देन लास्ट के ऊपर भी एक ईमेल हमने ऐड करनी। ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू कर देना। तो ये मेरी स्क्रीन क्या होगी, ये क्रिएट हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास स्कोप्स होते हैं, तो स्कोप्स के अंदर आपने क्या करना है कि कौन कौन सी चीज़ें आपको चाहिए जो आपने यूज़ करवानी है, ठीक है। तो जो आपके लिए नॉन सेंसिटिव है या, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या करना है फिर, टेस्ट यूज़र हमें नहीं चाहिए, तो नेक्स्ट हमने समरी करते हैं और से गो टू डैशबोर्ड, ठीक है। नेक्स्ट हमने जाना है क्रीडेंशियल्स के ऊपर, क्रीडेंशियल्स के ऊपर जाके सबसे पहले करना है क्रिएट क्रीडेंशियल्स ओ ऑथ क्लाइंट आईडी, ठीक है। तो इधर आप सबसे पहले एप्लीकेशन सिलेक्ट करेंगे, मैं वेब कर देता हूँ, ठीक है। तो अब इस जगह पे हमने क्या करना है, ऑथराइज रिडायरेक्ट यूआरएल, ये मेरे पास कौन सा यूआरएल है, ये मेरे पास वो वाला यूआरएल है जिसके ऊपर हमने इसको रिडायरेक्ट करवाना है। तो ये बेसिकली मेरे पास ये वाला यूआरएल, इसको क्या कर देना है, आपने कॉपी करना है और इसके अंदर जाके ऐड यूआरएल और इसके अंदर क्या कर देना, पेस्ट कर देना, ठीक है। तो जिस तरह यानी आप ओके करेंगे, ये आपको आईडीज क्रिएट करके दे देगा, क्लाइंट आईडी और सीक्रेट आईडी, इसको करना है कॉपी।
और इस जगह पेस्ट कर देना, और इसको करना है कॉपी, और इसको इस जगह पेस्ट कर देना। ठीक है, अब ये मेरे पास क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, अब हम देखते हैं इसके लिए ना वर्किंग किस तरह। अब ये हमारा इधर से काम कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हमें इसकी यानी कोई ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम अपनी वेबसाइट पे जाते हैं, इसको रिफ़्रेश कर देते हैं। तो लॉग इन विद गूगल पे जिस तरह हम क्लिक करेंगे, वो क्या करेगा, रिक्वेस्ट सेंड करेगा 3000 के ऊपर स्लैश, यानी इस यूआरएल के ऊपर रिक्वेस्ट सेंड करेगा। ठीक है, तो जैसे हम क्लिक करते हैं तो उसने उस यूआरएल के ऊपर रिक्वेस्ट सेंड की, उसने आगे रिक्वेस्ट सेंड कर दी। तो क्या हुआ, हमारे पास ना ये वाला इंटरफेस शो हो गया। देखा उधर मैंने ऐप का नेम डेमो रखा था, तो इधर डेमो शो हो रहा था, डेमो शो हो रहा है। ठीक है, तो जो भी चीज़ें आप उधर सेटिंग करेंगे उसी तरह ये इधर शो होगा। ठीक है, तो मैं इसको करता हूँ, यानी अपना ईमेल जीमेल जो है वो मैं इंटर करता हूँ। तो जैसे मैंने इंटर की है, तो आपने इधर देखना है बेसिकली क्या हुआ है, हमारे पास ना सारी यूज़र की इन्फॉर्मेशन आ गई है, उसका नेम क्या है, उसकी पिक्चर, प्रोफाइल पिक्चर, गिवन नेम। ठीक है, तो जो चीज़ें हमें चाहिए थी वो इस जगह के अंदर आ गई। अब ये बेसिकली हुआ क्या है, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद हम इसको क्लोज़ करते हैं। तो सबसे पहले बैक में जाता हूँ। ठीक है, तो ये बेसिकली मेरी वेबसाइट रन हो रही थी, जिस तरह मैंने इसके ऊपर क्लिक किया है तो उसने क्या किया है, बेसिकली इस यूआरएल के ऊपर रिक्वेस्ट सेंड की है। तो जैसे मैंने उसने इस यूआरएल के ऊपर रिक्वेस्ट सेंड की, उसने कहा कि ऑथेंटिकेट करो यूज़र को। तो उसके लिए उसने क्या है कि इस यूआरएल के ऊपर जाके ना स्कोप जो है डिफ़ाइन कर दिया, उसने ये वाला स्कोप डिफ़ाइन कर दिया। तो उसके बाद उसने ऑथेंटिकेट कर दिया। स्कोप बेसिकली क्या होता है, स्कोप होता है कि आपको कौन कौन सी चीज़ें चाहिए यूज़र की ऑथेंटिकेशन के लिए। ठीक है, यानी आपको ऑथेंटिकेशन के बाद ईमेल चाहिए, प्रोफाइल चाहिए, या क्या कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। ठीक है, तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं, इसको आप देख लें, यानी जो बेसिकली स्कोप्स क्या होते हैं जिस गूगल ऑथ के अंदर। तो गूगल ऑथ, ठीक है, तो स्कोप्स ये डिफरेंट होते हैं। हम इसको डिफरेंट अभी हमने इस जगह पे भी जो है ना वो डिफ़ाइन किए थे, इधर अगर मैं एडिट करूँ तो ये स्कोप्स के अंदर। ठीक है, तो इसको अगर मैं सेव एंड कंटिन्यू करूँ तो ये बेसिकली जो स्कोप्स थे ना, ये वाले स्कोप थे। ठीक है, तो इस जगह पे हम जो जो डिफ़ाइन करेंगे उन उन चीज़ों को हम गेट कर सकेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली वही होता है। उसके फिर आपको जो जो चीज़ें गेट करनी होती हैं उनका आपको यूआरएल इस जगह पे कॉमा लगा के यानी पास करना होता है। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले मैंने जिस तरह ये ऑथेंटिकेट किया ना, तो उसने बेसिकली क्या करना है, इस जगह पे मुझे स्क्रीन ओपन करके दे देनी है मेरी जीमेल वाली। ठीक है, तो यानी अब जब मैंने जैसे क्लिक किया है तो उसने क्या किया है, उसने इस फंक्शन को कॉल किया, उसने ये वाली स्क्रीन मुझे ओपन करके दे दी है, ये स्क्रीन ओपन हो गई है। अब देख, अब उसने जीमेल नहीं पूछी, लेकिन पहले पूछी थी। ठीक है, तो क्योंकि सेशन क्रिएट हो गया इसलिए उसने नहीं पूछी। अच्छा, जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो वो क्या करेगा, मुझे जीमेल पूछेगा मेरी। ठीक है, तो जीमेल जैसे पूछेगा तो सबसे पहले वो आएगा इस जगह के ऊपर, वो क्या करेगा, इस फंक्शन को कॉल करेगा। इस फंक्शन को जैसे कॉल करेगा तो वो क्या करेगा, मुझे ये वाला उसका जीमेल और ये वाली सारी इन्फॉर्मेशन जो होगी ना इस जगह पे कंसोल लॉक कर देगा। मैंने फ़िलहाल कंसोल लॉक की, लेकिन वैसे बेसिकली हम क्या करते हैं, डेटाबेस के अंदर ना इस यूज़र को सेव कर देते हैं, या अगर डेटाबेस में ऑलरेडी सेव है तो उधर से हम चेक करते हैं। ठीक है, तो जो भी डेटाबेस का रिलेटेड कोड आएगा ना, तो वो इस जगह से हम इस जगह पर करेंगे। तो अगर सक्सेसफुली हो गया तो हम इस डन को कॉल कर देंगे, अदरवाइज हम क्या कर देंगे, यानी कह देंगे कि एरर। ठीक है, अब आप देखना क्या होगा। तो मैं बैक जाता हूँ, मैंने क्या किया, लॉग इन विद गूगल। तो जैसे मैं करूँगा तो उसने मुझे ना ये वाला यानी एरर आ गया है, जो मैंने उस जगह पे मैसेज किया था, तो एरर। अब वो क्या हुआ है, मतलब कि बहुत सक्सेसफुली रन नहीं हुआ, तो जिसकी वजह से उसने इस यूआरएल के ऊपर यूज़र को रिडायरेक्ट नहीं किया। तो जब सक्सेसफुली रन होगा तो वो उस यूआरएल के ऊपर रिडायरेक्ट करेगा, अदरवाइज वो रिडायरेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, लाइक अब क्या होगा, वो क्या करेगा, सक्सेसफुली रन हो जाएगा ना, यानी डन जो है एरर। इसके अंदर दो एट्रीब्यूट्स हैं, एक बेसिकली एरर है और दूसरा हमारे पास है यानी यूज़र। तो ये दो चीज़ें हम रिटर्न कर रहे हैं। ठीक, यानी इस फंक्शन के अंदर पास कर रहे हैं। तो वो क्या करेगा, जब ये सक्सेसफुली होगा वो इस फंक्शन को कॉल कर देगा, यानी इस यूआरएल के ऊपर कॉल कर देगा। ये यूआरएल हमारे पास क्या है, ऑथ गूगल स्लैश कॉल बैक। तो ये हमारी एपीआई की कॉल ही है, तो वो इस फंक्शन के ऊपर आ जाएगा, यानी इस रिक्वेस्ट के ऊपर आ जाएगा। तो इसके ऊपर सबसे पहले वो ऑथेंटिकेट करेगा, उसके बाद अगर तो वो लॉगिन हो गया तो वो उसको स्लैश के ऊपर रिडायरेक्ट करेगा। जैसे स्लैश के ऊपर रिडायरेक्ट करेगा तो वो इस जगह पे आ जाएगा, यानी इस पेज के ऊपर। ठीक है, इस पेज के ऊपर, यानी वो इसको रिस्पॉन्स सेंड करेगा, यानी कि लाइक हम इधर कुछ भी लिख सकते हैं।
इसको मैं एक बार फिर चेक कर देते हैं। तो ये उसने बेसिकली 6 हमें दे दिया, ठीक है। तो ये था आज का हमारा यानी छोटा सा ट्यूटोरियल था इसके बारे में, किस तरह हमने यानी गूगल ऑथ को हम अपनी अटैच कर सकते हैं। बाकी जो बटन की बात थी उसको हम ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं, वो हम गूगल का अपना बटन भी कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ भी कर सकते हैं बेसिकली, हमने करनी इस यूआरएल के ऊपर कॉल ही है, ठीक है। तो जो उनसे मतलब यानी यूआरएल आप यानी डिज़ाइन कर लें उसको, ठीक है। तो चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज़।